चलिए बात कोरोना के कहर की और बात अपने प्रदेश राजस्थान की। तो राजस्थान में कोरोना का अपडेट आपको बताएं, जयपुर में दो और मौत, जोधपुर में एक मौत। राजस्थान में कोरोना का ये अपडेट, जयपुर में दो मौत और हो गई है, जोधपुर में एक मौत। 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अकेले जयपुर में सर्वाधिक 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि अजमेर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1, धौलपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 1 पॉजिटिव केस सामने। और राजस्थान में कोरोना से अब तक 65 मौत, जबकि 2678 पॉजिटिव। तो राजस्थान में ये कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में दो और मौत हुई है और कुल मौत की संख्या हो गई है 65, जबकि 12 नए पॉजिटिव केस के साथ ही अब पॉजिटिव केसों की संख्या हो गई है 2678। अजमेर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1, धौलपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 1 पॉजिटिव केस सामने। और अब कुल मरीजों की संख्या जो पॉजिटिव है 2678, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 65 पहुंच गया है। तो लगातार जो कोरोना महामारी है उसका कहर देखने को मिल रहा है, पूरे देश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कि लॉकडाउन 2.0 कहा था, और उसके बाद कल ही है अब एडवाइजरी भी सामने आ गई है, जहां लॉकडाउन 3.0 का भी ऐलान हो गया है। हालांकि इस बार 3 जोन जरूर बांटे गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। और ऐसे में देखना यह होगा कि अब जब जोन में बांट दिया गया है तो किस तरीके से इस महामारी पर विजय पाई जाएगी। कोशिश और कवायद राज्य सरकार की सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द जो रेड जोन है और जो ऑरेंज जोन है उनको ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए, ताकि स्थिति जो है वो नॉर्मल हो पाए। फिलहाल जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, 2678 मामले टोटल, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है लोगों को क्योर करने का आंकड़ा भी। लोगों को बचाया भी जा रहा है, लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भी भेजा जा रहा है। राज्य सरकार लगातार हर एक दिशा में काम करती हुई, और ज्यादा से ज्यादा यहां पर टेस्ट हो रहे हैं। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, राजस्थान की बात करें तो यहां पर 2678 पॉजिटिव संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं, कई लोगों को क्योर किया गया है, जोधपुर में भी मामले लगातार नए सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए खुशबू, यहाँ जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उतने ठीक होकर के भी जा रहे हैं। करीब देखिए 133 पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, वो ठीक हुए हैं। उनके अलावा 165 लोगों को घर भी जा चुका है, पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, 500 से आंकड़ा पार जा चुका है। मौत भी हो रही है, लेकिन उन्हीं लोगों की हो रही है जिनको शुगर है, हार्ट अटैक है या दूसरी जो अन्य बीमारियां, उसके साथ में अगर कोरोना हुआ है तो उसके चलते इस तरह की बहुत हो रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन सब पूरी तरह से सावधान है, कर्फ्यू और जो लॉकडाउन इलाका है सब पूरी सावधानी बरती जा रही है। अलग अलग इलाकों में सैंपलिंग और सर्वे की टीम काम कर रही है, कुछ जिला कलेक्टर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। जितने ज्यादा पॉजिटिव आएंगे उससे कम से कम जितने भी लोग बीमार है वो बाहर आ जाएंगे, तो बाद में पूरा एक तरह से कोरोना का सफाया हो सकेगा। जी बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन 3.0 भी सामने है, ऐसे में देखना होगा कि कैसे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा क्योर किया जा सके। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।